अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया? हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल भी दिया तो पता है क्या करना है। देखो, मैंने मेरे राजनीति की जिंदगी में, पूरे जिंदगी में 15 मिनट भी कभी हसन मुशरफ से बात नहीं। बुजुर्ग होने के नाते मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूं। मैं नीचे स्तर की राजनीति नहीं करता, वो मैं अरे कहे और आप कहे, उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं। लेकिन 2019 में जब पवार साहब के घर पे मीटिंग हुई थी, और कुछ नेताओं को बोलना तभी था कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, तब उसमें ताकत से विरोध करने वाले हसन मुशरफ जी थे। और अब जाने का वक्त आया, या जब 2022-23 में, तब पवार साहब के जाके बैठने वाले और चलो बीजेपी में जाएंगे ऐसे बोलने वाले पहले हसन मुशरफ। बार बार बताते हैं कि मैंने एक पेपर पे साइन की। हाँ, की मैं 10 बार महाराष्ट्र को बोल चुका हूं, वो बीजेपी के समर्थन का पत्र नहीं था, वो शरद पवार जी का आदेश लेने के लिए पत्र था, क्या अपन जा सकते हैं क्या। वो भी खत, और अजीत पवार जी सामने बैठे थे इसलिए मैंने साइन किया। बाहर आके मैंने जयंत पाटिल जी को बोल दिया था, मैं था, प्राजक्त तनपुरे था, हम लोगों ने सभी ने मिल के बोल दिया था कि हम पवार साहब को नहीं छोड़ेंगे, हमारी दस्तखत है, वो निकाल डालो। पर मैं आज महाराष्ट्र को बताना चाहता था कि जयंत पाटिल की भी मानसिकता नहीं थी कि पवार साहब को अकेला छोड़ के जाना ये अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह होगा, तो उन्होंने भी वो खत पवार साहब को नहीं दिया। आधी अधूरी बात मालूम है हसन मुशरफ जी को। मैं सिर्फ प्रार्थना इतनी करता हूं कि मैं किसी का सुनने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैंने उनके बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा है। जब वो मेरे बारे में बोलते हैं तब मैं उसकी रिएक्शन देता हूं, मैं खुद होके कभी उनके बारे में नहीं बोलता। तो अगर अंगार लगेगी दूर तक जाएगी। अपनी शांति बनाए रखो, मैं शांत हूं, तुम शांत हो। तुम हर दिन मुझे टपली मारने जाओगे तो टपली मारने के लिए मैं जिंदा नहीं, खुल के जवाब दूंगा। देखो, ऐसा है कि धर्म निरपेक्षता की परिभाषा अजित पवार जो समझते मुझे मालूम नहीं, लेकिन फुले शाहू अंबेडकर और हिगड़ेवार गुड़वलकर दो पैरों पर रख के आदमी चल नहीं सकता है। एक तो इधर शाहू फुले अंबेडकर रखो, नहीं तो इधर हिगड़ेवार गुड़वलकर रखो। ये दो विचारधारा आज की नहीं है, ये विचारधारा 5000 सालों से इस देश में चलती आई है। तुम एक बाजू से रहना पड़ेगा, दो रस्ते के बीच में, दोनों रस्ते पे दो पैर रख के तुम चल नहीं सकते। अगर इतनी बात उनको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो भी ठीक है।